गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, क्रिकेट लॉन्डी पे एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जी हाँ, बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले की। जी हाँ, भारत ने जहां 44 रन से ऑस्ट्रेलिया को मात दी और T20 श्रृंखला अपने नाम कर ली है। भारत ने 2-0 से लीड ले ली है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का अपमान किया, मिशेल मार्श ने पैरों पर वर्ल्ड कप रखा, भारत का इंतकाम जारी है। दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई। जी हाँ, पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 235 रन बनाए। जी हाँ, 50 ओवरों में नहीं, सिर्फ 20 ओवरों में 235 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें यशस्वी जायसवाल 25 गेंदों में ताबड़तोड़ 53 रन बनाए। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने 58 रन की क्लासिकल पारी खेली, ईशान किशन आतिशी 52 रन बनाए, और अंत में रिंकू सिंह, जी हाँ IPL का हीरो, भारत का बेटा रिंकू सिंह ने तूफानी पारी खेली, सिर्फ 9 गेंदों पर 31 रन बनाए, 4 चौके और 2 छक्के लगाए। भारत की तरफ से 15 छक्के पड़े और 235 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही, इसमें जल्दी आउट हुए। पिछले मैच के शतकवीर इंग्लिश विश्नोई ने अपना शिकार बनाया। इसके बाद स्टोनिक्स ने 45 रन बनाए, जी हाँ कुछ छक्के लगाए। मैथ्यू वेट 42 रन बनाए, 4 छक्के जड़े। टिम डेविड ने 32 रन बनाए। अंत में ऑस्ट्रेलिया 191 रन बना पाया और 44 रन से मुकाबला हार गया। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता है वो लाइक करें, शेयर करें और एक बार मेरा चैनल फिर से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, भारत ने 2-0 से सीरीज अपने नाम कर ली और ये इंतकाम जारी रहेगा। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट छटकाए, रविंद्र विश्नोई ने 3 विकेट छटकाए, तो भारतीय युवा टीम जोश से भरी हुई ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा रही है। वर्ल्ड कप का बदला अभी जारी रहेगा, तीसरे मुकाबले में देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।